स्पेनिश फ्लू, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तथा साल 2020 में आई कोविड-19 पैंडेमिक जैसे इवेंट्स ने पृथ्वी की कंप्लीट ह्यूमन सिविलाइजेशन को कई बार खतरे में डाला है और इन इवेंट्स से ह्यूमन सिविलाइजेशन के कंप्लीटली वैनिश हो जाने की नौबत भी आ चुकी है। सो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि अगर अपकमिंग फ्यूचर में कोई ऐसी पैंडेमिक आती है जो कि कोविड से ज्यादा पेरिलस हो सकती है और यह अर्थ से कंप्लीटली ह्यूमंस को वाइप आउट कर सकती है, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 जैसे इवेंट्स अगर नियर फ्यूचर में होते हैं तो यह भी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डाल सकते हैं। इसके साथ नियर फ्यूचर में कई ऐसे इवेंट्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज या एलियन अटैक से भी अर्थ पर लिविंग क्रीचर्स के एक्सटिंक्शन का खतरा हो सकता है। सो साइंटिस्ट एवं फिलोसोफर ने इन सारी हाइपोथेटिकल नियर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में काफी सोचा तथा रिसर्च किया तथा यह आइडिया दिया कि क्यों न ह्यूमंस मल्टी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए और अगर फ्यूचर में अर्थ पर ऐसे इवेंट्स हो जिससे कि अर्थ की कंप्लीट ह्यूमन पॉपुलेशन वैनिश हो जाए सो अदर प्लैनेट्स पर बची ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाती रहेगी। और इस प्रोसेस में मार्स को कोलोनाइज करने का प्रपोजल सबसे पहले आया क्योंकि मार्स अब तक की रिसर्च में सबसे आइडियल कैंडिडेट है जैसे कि कोलोनाइज करना सबसे आसान हो सकता है क्योंकि मार्स और अर्थ में काफी सारी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मार्स पर एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है तथा अर्थ पर एक दिन 23 घंटे 56 मिनट का होता है। इसके साथ दोनों प्लैनेट्स के क्रस्ट कंपोजिशन तथा इंक्लाइनेशन भी काफी सिमिलर है पर दोनों प्लैनेट्स में कई सारे डिफरेंट तथा कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि अगेन हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या एक्चुअली में हमें मार्स को कोलोनाइज करना चाहिए। वेल लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर मार्स को कोलोनाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये होगा कि आखिर मार्स पर ह्यूमन सस्टेन कैसे करेंगे क्योंकि वहां पर अर्थ के जैसे ना तो एटमॉस्फियर है, ऑक्सीजन है या ओजोन लेयर है जो कि यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करेगी। सो साइंटिस्ट ने मार्स के टेराफॉर्मिंग के कॉन्सेप्ट दिए। टेराफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि मार्स के कंप्लीट प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा तथा इसे अर्थ के जैसे हैबिटेबल बना देगा। मतलब अगर हम मार्स को टेराफॉर्म करने में सक्सेसफुल रहे सो वहां पर प्योर ऑक्सीजन होगी, पानी की नदियां होंगी तथा मार्स का खुद का एटमॉस्फियर होगा जो कि अर्थ के ही सिमिलर होगा। हालांकि मार्स के पास खुद का एटमॉस्फियर है पर इस एटमॉस्फियर में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें हैं। इसका एटमॉस्फियर भी काफी थिन है और इससे मार्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्र 1% है तथा मार्स की ग्रेविटी भी मात्र 0.38 g है जो कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 g से बहुत कम है। नाउ ह्यूमंस के लिए एटलीस्ट 1 g ग्रेविटी तथा 8 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है। सो टेराफॉर्मिंग के प्रोसेस में इनमें से कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सो आइए जानते हैं कि आखिर टेराफॉर्मिंग है क्या और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आज तक साइंटिस्ट ने टेराफॉर्मिंग प्रोसेस को करने के लिए दिए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट टेराफॉर्मिंग प्रोसेस। टेराफॉर्मिंग के प्रोसेस में हम मार्स के सरफेस तथा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन तथा ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करके सबसे पहले हम मार्स को सोलर रेडिएशन से गर्म करेंगे ताकि मार्स पर अवेलेबल पोलर आइस पिघल जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वह मार्स के एटमॉस्फेयर को डेंस बना देगी और जब एटमॉस्फेयर डेंस हो जाएगा तब सोलर रेडिएशन से जो वेपराइज्ड वाटर होगा उसके क्लाउड बन जाएंगे और उसके बाद घनघोर बारिश होगी। और सिमिलरली ऐसी ही कंडीशन पृथ्वी पर जब जीवन की जेनेसिस हुई थी उसके पहले हुई थी। सो यही पूरा प्रोसेस टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स होगा। नाउ टेराफॉर्मिंग के इस कॉन्सेप्ट में हमें 155 मील लंबे माइलर मिरर्स की जरूरत होगी जिन्हें की 133,000 मील के एल्टीट्यूड से ऐसे फिट करना होगा कि यह ह्यूज अमाउंट में सोलर रेडिएशन मार्स की तरफ रीडायरेक्ट करें तथा इससे मार्स का सरफेस गर्म हो जाएगा और उसकी पोलर आइस पिघल जाएगी और यह पिघलकर बादल बन जाएंगे और बादल बनने के बाद इससे बारिश होगी और टेराफॉर्मिंग का प्रोसेस इससे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ माइलर मिरर्स ऐसे मिरर्स हैं जो कि काफी ड्यूरेबल होते हैं तथा स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिव होते हैं पर इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम यह है कि इतने जायंट मिरर्स को स्पेस में भेजा कैसे जाएगा क्योंकि स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इसके साथ अगर हम इन मिरर्स को स्पेस स्टेशन में ही कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज से यह कर पाना इम्पॉसिबल होगा। नाउ टेराफॉर्मिंग के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर 10 बिलियन टन के कई सारे एस्टेरॉइड्स जो कि हाइड्रोकार्बन रिच हो उनको मार्स की तरफ रीडायरेक्ट करके उनका इंपैक्ट मार्स के सरफेस पर करवाया जाए
तो एस्टेरॉइड्स के इंपैक्ट से मार्स का पूरा वातावरण हाइड्रोकार्बन धूल से भर जाएगा और यह डस्ट सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मार्स को गर्म कर देंगी और इससे पोलर आइस जो मार्स पर है वह पिघल जाएगी और इवेंचुअली यह प्रोसेस टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स को कंप्लीट कर देगा। पर इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास करंट टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे कि हम एस्टेरॉइड्स को रीडायरेक्ट करके मार्स के ऊपर इंपैक्ट करा सकें। मार्स के टेराफॉर्मिंग के लिए अगला कॉन्सेप्ट यह है कि मार्स का मून फोबोस डार्क डस्ट से बना हुआ है और अगर हम फोबोस से उसकी डार्क डस्ट को माइन करें और उसे मार्स की सरफेस पर लेकर आए और उसके बाद कंप्लीट मार्सियन सरफेस को 3 फीट मोटी डार्क डस्ट की चादर से ढक दें और यह जो डार्क डस्ट है वह रिच इन हाइड्रोकार्बन होगी और यह मार्स के सरफेस को गर्म कर देगी और इससे मार्स की जो पोलर आइसेस हैं वह पिघल जाएंगी और फिर इवेंचुअली टेराफॉर्मिंग का प्रोसेस कंप्लीटली आसानी से हो जाएगा। पर इस प्रोसेस में यह प्रॉब्लम है कि पहले मार्स पर पहुंचना होगा फिर जाके फोबोस की माइनिंग शुरू होगी, पर अभी तक हम लूनर माइनिंग तो कर नहीं पाए तो फोबोस माइनिंग कैसे कर पाएंगे। सो यह आइडिया भी फार क्राई होगा। नाउ टेराफॉर्मिंग के इस कॉन्सेप्ट में साइंटिस्ट ने यह प्रपोजल दिया है कि क्यों ना जेनेटिक कोडिंग का इस्तेमाल करके ऐसे माइक्रोब्स तैयार किए जाएं जो कि मार्शियन एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके तथा ऐसे माइक्रोब्स की ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर में फौज भेजकर हम मार्स के कंप्लीट सरफेस तथा एटमॉस्फेयर को चेंज कर सके, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसे माइक्रोब्स कोड किए हैं जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। नाउ जेनेटिक कोडिंग हमारे पास ऑलरेडी है, पर अभी भी हमारे पास मार्स की कंप्लीट जियोग्राफी नहीं है जिससे कि मार्स की कंडीशन को बिना जाने हम माइक्रोब्स को परफेक्टली कोड नहीं कर सकते। वैसे अगर आप ट्विटर पर इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं तो साल 2019 में उनके द्वारा किया गया यह ट्वीट तो आपने जरूर देखा होगा जिनमें उन्होंने लिखा था कि न्यूक द मार्स, मतलब मार्स पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए। एक्चुअली में उन्होंने यह इसलिए कहा था कि न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है वह मार्स पर ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा तथा मार्स पर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ला देगा और इस वार्मिंग से मार्स की पोलर आइस पिघल जाएगी और मार्स का टेराफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। पर कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट मार्स पर न्यूक्लियर विंटर भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन की वजह से जो सूर्य की रोशनी हो वह मार्स की सरफेस पर पहुंचे ही नहीं और इससे मार्स कंप्लीटली फ्रीज हो जाए। नाउ टेराफॉर्मिंग के इस लास्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम मार्स पर अपने प्लांट्स व फैक्ट्रीज शिफ्ट करें तथा वहां पर ह्यूज कार्बन इमिशन करें तो हो सकता है कि मार्स पर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए जैसा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पृथ्वी पर प्रोड्यूस हो चुका है और इवेंचुअली इससे टेराफॉर्मिंग आसान हो जाए, पर इस प्रोसेस में 500 से 1000 साल भी लग सकते हैं। सो ओवरऑल ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे मार्स की टेराफॉर्मिंग की जा सकती है। अगर मार्स की टेराफॉर्मिंग की कॉस्ट की बात करें तो यह $100 बिलियन से $15 ट्रिलियन हो सकती है जो कि चाइना की टोटल जीडीपी के बराबर है तथा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मिनिमम 50 से 100 साल का समय भी लग सकता है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज से हम मार्स का टेराफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इवन कुछ का कहना है कि हमें मार्स का टेराफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए और हमें वीनस को टेराफॉर्म करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आपका क्या विचार है मार्स के टेराफॉर्मिंग के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, आई विल बी हैप्पी टू रीड। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगले वीडियो तक जय हिंद।